आज हम आपको दिखाने आए हैं एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट एंड इट इज इन मुंडवा। यहाँ से आप इस लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं खराड़ी, कोरेगांव पार्क एंड मगरपट्टा विद इन मिनट्स। इसी के साथ साथ आप बीटी कावड़े रोड भी जा सकते हैं, फिर वहीं से सोपान बाग एंड देन टू कैंप। अभी चलते हैं टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको टोटल 43 स्टोरी की ये बिल्डिंग मिलने वाली है। सो दिस इज इंस्पिरेशन फ्रॉम दुबई फ्रेम दैट जो हम देखते हैं, जो आपको बुर्ज खलीफा के व्यूज मिलते हैं एंड ऑल्सो द सिटी व्यू, वेरी सिमिलर टू दैट। दिस इज अ 43 स्टोरी बिल्डिंग, दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट बिल्डिंग इन PMC। इसका पजेशन जो है वो आपको मिलेगा December 2027 में, एंड सिर्फ फर्स्ट 50 फ्लैट्स के लिए ये एक स्पेशल ऑफर जो है डेवलपर ने रखा है। प्राइसिंग फॉर 3 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 1 crore and 60 lakh रुपीज, फॉर 4 BHK इट इज फ्रॉम 2 crore and 20 lakhs, एंड ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 2 crore and 71 lakhs। अब ये जो प्राइजेस है 50 फ्लैट्स के लिए है, सो बाद में ये प्राइस नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो आई शो ऑल द डिफरेंसेज जो आपको 3 and 4 BHK एंड ड्यूप्लेक्स में जो मिलने वाले हैं इन द सैम्पल फ्लैट टूर। सो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सैम्पल फ्लैट टूर। दिस इज मलाइका अरोरास चॉइस इन पुणे। लेट्स हैव अ लुक वॉट हर टेस्ट इज। जैसे हम लोग एंटर करेंगे देर इज अ डोर दैट विल बी गेटिंग द सेम शेड, एंड उसी के साथ साथ होगा येल कंपनी का यहाँ पे स्मार्ट लॉक दैट वुड हैव पासवर्ड, फिंगरप्रिंट एंड की। जैसे हम लोग एंटर करेंगे वी कम इन टू दिस ग्रैंड फॉयर एरिया, एंड दिस इज ऑफ 7.10 by 4.10। यूजली आप देखोगे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के वॉशरूम्स होते हैं, जितना बड़ा यहाँ पे फॉयर एरिया है। सो जस्ट हैव अ लुक, एंड उसी के साथ साथ हम लोग आएंगे टूवर्ड्स दिस एरिया। तो ये है यहाँ का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, दिस इज एन एल शेप। सो आपको प्रॉपर लिविंग एरिया मिलता है ऑन दिस साइड, जहाँ पे आप एक 3-seater सोफा ओवर हियर, अ लाउंज चेयर, यहाँ पे एक लाउंज चेयर लगा सकते हैं, द सेम सेटअप जो यहाँ पे लगा हुआ है, अ सेंटर टेबल, अ टीपॉट एंड सामने की तरफ है TV यूनिट का स्पेस। द बेस्ट थिंग इज देर इज अ स्पेस फॉर पूजा घर एज वेल। सो जैसे अभी गणपति जी हैं वैसे ही आप अपना पूजा घर भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ 3 and 4 BHK प्रोजेक्ट। सो 3 BHK का जो लेआउट है, ऑल द 3 bedrooms आर ऑन वन साइड, क्योंकि घर बड़ा लगता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट वाला। सो तीनों बेडरूम एक तरफ है। 4 BHK में जो है 3 bedroom इस तरफ है, 1 bedroom जो है गेस्ट बेडरूम वो इस तरफ आएगा आपको। सो बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट का 4 BHK में आपको वेरियंट मिलने वाला है। अदर देन दैट 4 BHK में पूजा घर अलग से दिया हुआ है, मतलब स्पेस है उसका अलग से, और जैसे डोर के बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्क फ्रॉम होम का भी स्पेस है 4 BHK में। अभी यहाँ पे जो आप ये लिविंग एरिया देख रहे हैं दिस इज फॉर 3 BHK, द लग्जूरियस 3 BHK। 1 square feet जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगा और दैट विल गो टिल 20.5, 1 square feet और विड्थ बढ़ जाएगी। सो दिस वुड बी अगेन अ बिगर साइज इन द लिविंग एरिया, एंड उसी के साथ साथ होगी अटैच्ड बालकनी। नाउ दिस बालकनी हैज टफन ग्लास डोर्स, सो जो नॉइस कैंसिलेशन है वो पूरा अच्छी तरीके से होगा। आते हैं बालकनी की तरफ। सो दिस बालकनी वुड बी कवर्ड फ्रॉम अबव। इसके साथ साथ नीचे एंटिस की टाइलिंग्स है यहाँ पे, ये है टफन ग्लास की रेलिंग, और सामने की तरफ हम इनविजिबल ग्रिल देख पा रहे हैं। सो दिस इज द सेम जो हमको मिलने वाला है, बिकॉज ये वाला प्रोजेक्ट दुबई के फ्रेम में है। सो इसकी जो हाइट है 140 feet की है, 43 floors ऑफ बिल्डिंग, सेकेंड हाइएस्ट इन PMC। बिफोर दैट लेट सी दिस एरिया। सो दिस इज अ स्टोरेज स्पेस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कार्पेट एरिया, तो ये आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऊपर आप AC का लेज लगा सकते हैं, एंड नीचे आप एक बार काउंटर भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर वन हु लाइक्स टू हैव अ गुड ड्रिंक एवरी डे इन द इवनिंग। सो ये एक अच्छा वाला स्पेस है जो आप अलग से बार काउंटर के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हो। एज यू कैन सी नॉइज़ जो है पूरा कैंसिल हो चुका है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको दुबई के फ्रेम से ही इंस्पायर्ड है। फर्स्ट फ्लोर भी अगर आप यहाँ पे लोगे तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 9th floor, सो यू कांट से कि फर्स्ट फ्लोर नहीं चाहिए मुझे। अगर आप टॉप फ्लोर भी लेते हो तो टॉप फ्लोर नहीं है, उसके ऊपर एमिनिटीज़ है, उसके ऊपर टेरेस है। सो टोटल 65,000 में यहाँ पे एमिनिटीज़ का स्पेस दिया हुआ है। दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस जो है ये 3 BHK के हिसाब से है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ बिग चेयर वाला डाइनिंग। सो यहाँ पे 4 seater है, आप 2 और लगा के यहाँ पे 6 seater कर सकते हैं। 4 BHK का जो डाइनिंग स्पेस है दैट वुड बी द सेम। वन मोर थिंग इज दैट अभी ये जो है ये डेकोरेशन पर्पसेस के लिए है, सो ये वाला जो स्पेस है वो नहीं होगा। सो जो किचन है वो ओपन किचन होगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक अच्छा क्रॉकरी सेट बना दिया है, दिस इज़ द सर्विस प्लेटफॉर्म जो डेवलपर ने बना के दिखाया, आप ऐसे ही इंटीरियर में करा सकते हो। सो दिस वुड बी अ वेरी गुड स्पेस। ऑल्सो किचन के वहाँ पे बाहर की तरफ एक ऐसी स्पेस है ना जो कहीं नहीं मिलती है, सो यू लाइक दैट ऑल्सो। बिफोर दैट लेट सी यहाँ पर रेफ्रिजरेटर यूनिट का स्पेस है, यू कैन ईजिली फिट अ डबल डोर फ्रिज एज यू कैन सी। एल शेप में यहाँ का प्लेटफॉर्म है, ब्लैक कलर ग्रेनाइट है यहाँ पे, एंड दिस इज द सिंक फॉर योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर हाइजीनिक पर्पसेज
जो आपका यूटेंसिल्स एंड जो सिंक है जहाँ पे हाउस हेल्प अगर आएंगे तो उनके लिए ये वाला सिंक है, दिस इज़ फॉर ऑल योर यूटेंसिल्स, तो आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करके यहाँ पे रख सकते हैं। एंड नीचे की तरफ जो स्पेस है दिस इज़ फॉर अ डिश वॉशर, एंड डिश वॉशर के साथ साथ आप जैसे ही अंदर आएंगे इसके ठीक पीछे यहाँ पे वॉशिंग मशीन का स्पेस है। नाउ दिस इज द स्पेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वाली जो स्पेस है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कार्पेट एरिया, सो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आप एसी या लेजेस लगा सकते हो, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ्स तो आप ये वाला स्पेस यूज़ कर सकते हो, ऐसी सेम होगा ये वाला। इज़न्ट इट गुड, मलाइका अरोरा हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट। सो 43 फ्लोर्स का टॉवर, यहाँ से एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको अगर केपी जाना है तो आप केपी जा सकते हो, आपको खराड़ी जाना है खराड़ी जा सकते हो, आपको मगरपट्टा जाना है मगरपट्टा भी जा सकते हो। सो तीनों जो डायरेक्शंस है उसके बीच में ये प्रोजेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दिस इज़ द कॉमन एरिया, दिस इज़ द सिंक दैट विल बी गेटिंग, यहाँ पे कोहलर के CPN सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं। सो दिस इज़ द ब्लैक कलर ग्रेनाइट दैट इज़ यूज्ड। चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम में जैसे ही आएंगे अंदर, ऑन दिस साइड इज द सिंक अगेन विद द CP सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ कोहलर, यहाँ पे है WC एंड दिस इज द शॉवर एरिया। तो शॉवर एरिया में यहाँ पे कॉमन में यू गेट अ सिंगल शॉवर एंड अगेन ऑल द CP सैनिटरी फिटिंग्स एंड द सेम शेड ऑफ टाइलिंग जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हैंडल लॉक्स जितने भी यूज़ किए गए हैं दैट आर ऑफ गोदरेज कंपनी, राउंड लॉक्स नहीं है सो दे डोंट गेट डैमेज्ड ओवर टाइम, सो हैंडल लॉक्स मिलने वाले हैं। एंड इसके ठीक सामने होगा आपका गेस्ट स्वीट, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द जूनियर स्वीट फर्स्ट, जो होगा ये वाला। सो ये होगा आपके बच्चों का रूम। नाउ दिस इज 10x13, अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वुड हैव द गेस्ट बेडरूम ऑफ दिस साइज, तो 10x13 का यहाँ पे जूनियर स्वीट है। आप जैसे ये वार्डरोब ओपन करोगे सो दिस इज द स्पेस यू गेट, डबल वार्डरोब आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी वाइड, यहाँ पे आप एक TV प्लेस कर सकते हैं एंड फॉर द ब्यूटिफुल व्यू आउटसाइड, बिकॉज दुबई फ्रेम जब हम लोग देखते हैं वी सी बुर्ज खलीफा इन फ्रंट ऑफ इट, पीछे सिटी व्यू होता है। सो सिमिलर टू दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड साइज विंडो, नीचे वाला फिक्स्ड है ऊपर वाला आप ओपन कर सकते हैं एंड मॉस्किटो मैश भी है इसमें एंड बाहर इनविजिबल ग्रिल भी है फॉर योर सेफ्टी। सो दिस इज़ वॉट यू आर गेटिंग एंड इसमें बस एक चीज़ इंक्रीज हो रही है इन 4 BHK, दैट इज़ जो ये आपको 10x13 दिख रहा है दैट इज़ 10x14, सो 1 square feet से और जो है 4 BHK बड़ा हो जाएगा। सो जो मेजर चेंजेस आएंगे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ड्यूरिंग द वीडियो। लेट्स गो टूवर्ड्स द गेस्ट स्वीट, सो दिस इज द गेस्ट स्वीट एंड जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे ऑन दिस साइड वुड बी द वार्डरोब स्पेस, आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, दिस वुड बी द स्पेस फॉर योर बेड, यू कैन इजीली प्लेस अ किंग साइज बेड ओवर हियर, अभी ये क्वीन साइज का है। सो ऐसे ही विंडो होंगी, अगेन टफन्ड ग्लास है सो नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा, बाहर की तरफ ग्रिल्स है, नीचे का ये फिक्स्ड रहने वाला है। लेट्स गो टूवर्ड्स द वॉशरूम, ये है गेस्ट स्वीट का वॉशरूम, एंटर करेंगे एंड पीछे की तरफ होगा सिंक, यू कैन डिज़ाइन दिस एज गुड एज यू वॉन्ट एंड यहाँ पे यू गेट द स्पेस फॉर ऑल योर शैम्पूज एंड ऑल द अदर कॉस्मेटिक्स दैट यू वॉन्ट। यहाँ पे CP सैनिटरी फिटिंग इज ऑफ कोलर, यहाँ पे WC आ गया एंड यहाँ पे देर वुड बी हैंड शॉवर एंड रेन शॉवर इन द वॉशरूम एंड जो टाइलिंग आप देख पा रहे हैं ग्रे कलर की वो तो सेम ही रहेगी एंड द लॉक्स आर अगेन ऑफ गोदरेज। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बट उससे पहले ये वाला जो बेडरूम है यहाँ पे भी 1 square feet 4 BHK में पड़ने वाला है। ड्यूप्लेक्स अगर आप देख रहे हैं तो लेट मी शो यू वन मोर थिंग, अगर आप ड्यूप्लेक्स देख रहे हैं सो आपकी जो स्टेयरकेस होगी वो ये रूम नहीं होगा, डायरेक्टली ऊपर स्टेयरकेस जाएगा, सो इसका ही रेप्लिका ऊपर की तरफ भी होगा। सो जो लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया है दैट वुड बी योर फैमिली रूम इन अ ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द मास्टर स्वीट। एज वी एंटर फर्स्ट ऑन माई राइट हैंड साइड यहाँ पे होगा वॉशरूम, टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बट द CP सैनिटरी फिटिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। वन मोर थिंग दैट इज गुड हियर कि आपका जो वॉशरूम है दैट इज नॉट नैरो, थोड़ा सा वाइड है तो आप आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने कहा था हैंड शॉवर है, वन मोर शॉवर ओवर हियर, ओवर हेड शॉवर है एंड दिस इज WC एंड द सिंक। चलते हैं मास्टर स्वीट की तरफ एंड दिस वुड बी योर मास्टर स्वीट 11.5x14.1। मैं इस कॉर्नर में हूँ, आप उस कॉर्नर में हो, सो एज यू कैन सी आपके सारे जो प्रीमियम ड्रेसेस है और योर आउटफिट एंड वार्डरोब वुड फिट हियर। डबल डोर का यहाँ पे वार्डरोब है, ड्रेसिंग एरिया जो है वो यहाँ पे भी है, यू कैन प्लेस अ मिरर लाइक दिस एंड दिस वुड बी योर ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट आप बना सकते हैं। नाउ दिस इज अ बेड प्लेसमेंट जो आप सेम कर सकते हैं एंड इसके ठीक सामने है TV यूनिट का स्पेस जो 4 BHK है, 4 BHK में 1 and 2 square feet बढ़ रहा है,
सो जो 14 है वो 16 हो जाएगा, जो 11.5 है वो 12 हो जाएगा. सो ये ऐसा और बड़ा होने वाला है बेडरूम जो मास्टर सुइट है. एंड जिसको 4 BHK मैंने कहा था आपको, एक जो है उस तरफ बेडरूम आने वाला है, दैट अ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट, तो उसका साइज यही रहेगा. सो ये बेडरूम उधर आ जाएगा इन 4 BHK. चलते हैं, लेट्स सी द पैटियो ओवर हियर विद द मास्टर सुइट. जस्ट लुक एट दिस. इससे हमें ये पता चलता है कि जो पेटियो का फेसिंग है वो एक ही तरफ नहीं है, मतलब पूरा वॉल आ जाएगा तो सिंगल साइड का फेसिंग होगा. बट बिकॉज दिस इज एन एल शेप, आप इधर का भी व्यू एंजॉय कर सकते हो, आप इधर का भी व्यू एंजॉय कर सकते हो. एंड यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ ब्यूटीफुल खराड़ी स्काईलाइन जो यहाँ से दिखेगी, दैट यौन आईटी पार्क, वोल्टेज सेंटर एंड बाकी सारी चीज़ें. सो एवरीथिंग इज देयर. सो आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंसेस इन 3 BHK 4 BHK. ड्यूप्लेक्स में क्या एक इंक्रीज होता है मैंने बताया था आपको, बस आपका ये रेप्लिका ऊपर आ जाएगा, सीढ़ियाँ जो होंगी वो आपको जो जूनियर सुइट है वहाँ से ऊपर जाएंगी. आई होप यू लाइक द वीडियो. मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बट बिफोर दैट, अगर आपको पसंद आया तो नीचे कॉल कर लो, विजिट करा देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.